हेलो। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? मैं बेसिक तुम बताता हूँ। हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे आज क्लास, जिसमें सीखेंगे यूज ऑफ वुड यूज ऑफ वुड, ओके। विद बी, विद हैव, विद बीन। वुड यानी सिंपल वुड, वुड बी, वुड हैव बीन। ठीक है, चारों चीज़ें देखेंगे। सिंपल सा मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, वुड का तुम्हें क्या मीनिंग पता है? वुड सेकंड फॉर्म होती है, फॉर्म होती है। यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट, राइट? और कुछ नहीं। अच्छा, एक ये सेंटेंस का भी पढ़ा है, सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आएगी इस पर, ठीक है? कोई बात नहीं। वुड वुड लाइक लाइक टू टू लाइक टेक सम हैव कॉफी। सम हाँ, तो यहाँ पे कहाँ है पास्ट फॉर्म? यहाँ पे क्या है, पास्ट की बात कर रहा हूँ, कॉफी, मतलब शायद थोड़ा फॉर्मल होके भी पूछे, मैनर्स यानी मैनर्स। यानी जरूरी नहीं कि पास्ट में मीनिंग हो सकता है प्रेजेंट की बात चल रही हो सकता है फ्यूचर भी हो सकता है फ्यूचर भी हो। बेसिकली अगर मैं मीनिंग बताऊँ, ये 10 केसेस है जहाँ जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये 10 केसेस अभी हम देख लेंगे, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं मीनिंग बताऊँ कि जो बुड जो बेसिकली जो गुड है बेसिकली वो क्या है? पास्ट फॉर्म है, वो पास्ट फॉर्म है किसकी? विल की। वो पास्ट फॉर्म है किसकी? विल की। है तो उसका उसकी पास्ट फॉर्म, बट कि उसके यूजेस ना उससे भी ज़्यादा है। ये नहीं केवल आपका ऐसा पास्ट फॉर्म यूज़ करो, उसके यूज उससे भी ज़्यादा है। जैसे कि सिंपल सा पास्ट में, पास्ट वाले के केसेस में पता ही है। पास्ट वाले मेरे को जरा एग्जांपल दोगे? पास्ट टेंस के एग्जांपल बिल के लिए, पास्ट पास्ट टेंस के। क्योंकि पास्ट में कुछ मतलब ऐसा समझाने होता और है ना पास्ट कि में हम एग्जांपल फ्यूचर देने, की, मतलब फ्यूचर में कुछ करने की बात हम पास्ट में करते हैं, तो कैसे? फ्यूचर में हम करने की बात हम पास्ट में करते हैं। हाँ, एग्जांपल दो, मैं देखता हूँ फिर ये वाला मीनिंग सही बैठे। फ्यूचर में, फ्यूचर ठीक है, कुछ के नहीं हम बोलते। पास्ट में करते हैं, देखते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल वही बात है, वही भी एग्जांपल दो। काम करना चाहता हूँगा, नहीं। चलो मैं आज बोला दो एग्जांपल देता हूँ। हाँ, गया। व्हाई डिडंट यू गिव मी योर लैपटॉप कवर, ओ हेलो, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा मैं तुम्हें देना नहीं है ना? चाहती आई थी। आई डिडंट यू गिव मी योर लैपटॉप कवर? आई टोल्ड यू आई टोल्ड यू इट वुड रेन। इट वुड बी रेन नहीं होगा। इट वुड बी रेनिंग होगा फिर, अब बी के साथ आईएनजी आता फिर, वो बाद में देखेंगे कि बी फॉर्म का बात। चलो बी ये भी क्लियर कर देता हूँ। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, तुमने मुझे अपना लैपटॉप और क्यों नहीं दिया?
तुमने मुझे अपना लैपटॉप और क्यों नहीं दिया? मैंने तुमसे बोला था कि बारिश होगी, यानी मैंने पास्ट में बोला था कि कुछ होगा, पास्ट में बोला था कि कुछ होगा, यानी पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? वुड ही लिखते हैं। ये तो इजी सेंटेंस है। ऐसे में बोलूँ, आई वुड बीन डॉक्टर बट नाउ आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं होता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं होता, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें बोला था कि बारिश होगी, ये तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक ये तो इसका जो इम्पोर्टेंट केस है ना, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड का, अपनी हैबिट्स को शो करने के लिए, अपनी हैबिट्स को शो करने के लिए। हैबिट्स मतलब क्या? तुम्हें पता है हैबिट को यूज़ करने के एक और वर्ड होता है। अगर मेरे को हैबिट शो करने तो कैसे बोलूँगा? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, ट्रांसलेट करके बताना कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। मैं पहले रोज मंदिर जाता था। हाँ, इसके लिए यूज टू वर्ड यूज करते हैं जो आप एग्जैक्टली जो बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल। ये अब वो यूज टू वैलिड का ना, हाँ यूज टू को ना, यूज टू का एक सिनोनिम है ये बेसिकली, वुड। है। हम बट यूज टू की जगह यूज पर टू ना हम वुड तब भी यूज यूज कर करते सकते हैं। बट यूज टू हम तब यूज करते हैं ना जब हम पहले किसी काम को करा करते थे, हाँ तो तब तब मैंने क्या यूज बोला? टू थे उस काम को करने के लिए। हाँ तो बट मैं बोलता हूँ पास्ट बिहेवियर, पास्ट की हैबिट क्या कर रहा हूँ मैं, नई वाली बात ही नहीं कर रहा मैं, तो मैं पास्ट की हैबिट, जो हम पहले जो हमारी हैबिट थी, जो हम पास्ट में करते थे, तो करते क्या थे, जो हमारी हैबिट थी वही तो हम। फॉर एग्जाम्पल मैं पास्ट में बहुत 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 सुपारी खाती थी, फॉर एग्जाम्पल। ओए तो होए, नहीं, ऐसे एग्जाम्पल आई हाँ आई मतलब आई वुड बी मतलब आई वुड हाँ अगर इसको कैसे बनाओगे मैं आप? खाती थी, आई रुकिए वुड रुकिए हैव रुकिए सुपारी रुकिए ऐसे। रुकिए रुकिए रुकिए, मोहतरमा रुकिए। देखो पहला सिंपल सा क्या होगा इसका, अगर मैं यूज टू से बनाऊं, आई यूज टू, अब मेरे को सुपारी खाने को पता नहीं क्या बोलता, आई यूज टू हैव बोल रहा हूँ, ठीक है। हैव जनरल वर्ड है कोई भी सुपारी चीज़ खाने के लिए, है ना। हाँ आई यूज टू हाँ हैव सुपारी, सुपारी फॉर एग्जाम्पल ठीक है। व्हेन आई वाज आई वॉज यंग, है ना, व्हेन आई वॉज यंग। यंग इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, इस नहीं वाले सेंटेंस में। और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा ना वुड के साथ, सिंपल सा रिप्लेसिंग वर्ड है, आई वुड हैव सुपारी। हाँ सिंपल सा रिप्लेसिंग वर्ड है, सिंपल सा क्या है उसका, रिप्लेसिंग वर्ड है। तो हम वुड का यूज एक केस में और कर सकते हैं, जब हम पास्ट की हैबिट है, पास्ट की हैबिट शो करें। बट एक केस है, अगर मैं यहाँ से मैं फर्स्ट वाले सेंटेंस की बात करूँ, मैं यूज टू वाले के, अगर मैं पहले वाले में से अगर ये वैन वाला यानी पास्ट वाला, अगर जहाँ पे टाइमिंग मेरे को पता चल रही है, मेरे को टाइमिंग यहीं से तो पता चल रही है, व्हेन आई वाज यंग, ये मैं कब की बात करूँ, टाइम मेरे को कहाँ से पता चला इस वाले सेंटेंस से। अगर मैं यूज टू में से ये वाला सेंटेंस हटा देता हूँ, तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है कि आई यूज टू हैव सुपारी, मैं पहले सुपारी खाता था, आई यूज टू हैव सुपारी, है ना, मैं पहले सुपारी खाता था। लेकिन अगर मैं इस वाले सेंटेंस में से, नीचे वाले में से अगले टाइमिंग सेंटेंस हटा दूं, ये कंप्लीट नहीं है। आई वुड हैव सुपारी, तो अब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा कि मैं सुपारी खाऊंगा, मेरी ऐसी उम्मीद है कि मैं सुपारी खाऊंगा। तो पास्ट में पहले बात करते हैं, वुड मतलब पास्ट के लिए, अभी अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग वुड मतलब फ्यूचर के लिए। हाँ अब वो बता रहा हूँ कि मीनिंग चेंज हो गया। अगर आपने टाइमिंग टाइम का रेफरेंस दिया है तो ये पास्ट की बात कर देगा, अगर आपने टाइम के रेफरेंस नहीं दिया तो फिर ये फ्यूचर का रेफरेंस देगा। ये वुड का कमाल है। अगर आपने इस वुड के साथ टाइम का रेफरेंस दिया है, व्हेन आई वाज यंग, अगर आपने टाइम का रेफरेंस दे दिया कि आप पुरानी बातें कर रहे हो, तो इस वुड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इस वुड का मीनिंग क्या हो जाएगा कि आप पास्ट की बातें कर रहे हो, पास्ट की हैबिट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने इसका मीनिंग नहीं दिया, आपने टाइमिंग की बात की ही नहीं है, बस आपने लिखा आई वुड हैव सुपारी, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आप एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप अपनी डिजायर दिखा रहे हो कि आप सुपारी खाओगे, आप सुपारी खाओगे। टाइम होगा तो फ्यूचर तो मतलब पास की बात है। हाँ अगर टाइम नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये फ्यूचर की बात करेगा। ये वुड का मैजिक है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब तुम ये कहीं किसी ग्रामर बुक में सर्च मत करने लग जाना, मिलेंगे नहीं ये। हाँ तुम ग्रामर की बुक्स में ढूंढ लो कहाँ है स्वामी रूल कहाँ है, तो भाई ये नहीं मिलेंगे।
उसका रीजन है, ठीक है, रीजन तो मैं जानना नहीं होगा वैसे भाई, नहीं मुझे जानना है, ये क्या भाग गया। जानना है शोन, जानना है, तुमको कैसे बताओ, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? जादू, मेरे सपने में जादू आया था, जादू से धूप खा के गया था, मुझे बहुत सारी पावर देके गया था। मुझे भी सही बात है, बेसिकली ये रीडिंग हैबिट्स और कुछ नहीं है, रीडिंग्स आप जब करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। एक नहीं, रूल्स नहीं है। अगर ये 10 10 जो केसेस जो मैंने बनाए हैं ये कहीं हमें पूरन सिंह सर ने नहीं सिखाए, थोड़े बहुत उन्होंने जो हमें सिखाए हैं बेसिकली, उन्होंने अगर मैं उनकी बात करूँ, उन्होंने हमें ये सिखाया है, उन्होंने हमें ये सिखाया, उन्होंने हमें ये सिखाया, उन्होंने हमें ये सिखाया है, उन्होंने हमें ये सिखाया है, बस। बाकी सारी चीज़ें जो लिखी हैं एक्स्ट्रा इसमें, वो सारी चीज़ें हम सीखे हैं, मैं सीखा हूँ बेसिकली रीडिंग से। इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं SSC बोर्ड के बच्चों को, तो काफ़ी हेल्प मिलती है उससे, तो चीज़ मैंने उससे सीखी है। ठीक है, तो पहला केस तो हो गया फास्ट टाइम, जो जनरली सबको पता होता है कि बिल की फास्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ड होती है। दूसरा केस हैबिचुअल, हैबिट से शो करने के लिए, हैबिट शो करने के लिए है ना। और ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है फर्स्ट वाले से, द द फ्यूचर फ्यूचर इन द पास्ट। ये जो भी हम बात कर हाँ रहे थे, हाँ लेकिन यहाँ पे अब देखो सेंटेंस में क्या है कि जो काम था ना, ये काम ये तुमने पास्ट में तुम्हें करना था, तुमने पास्ट में नहीं किया। मैंने बोला कि तुम्हें कि बारिश होगी, एंड पास्ट में बोलता कि उसी टाइम पर बारिश होगी, है ना। अगर मैं फ्यूचर इन द पास्ट का एग्जाम्पल दूँ, इसके एग्जाम्पल में तुम अभी, तुम वुड का इसका हिम्मत लेना, इसका मैं अभी तुम्हें वुड हैब के बाद सिखाऊंगा, तुम अभी इसको दोनों को एडिटर रख लो भैया। कैटेगरी तुमने अभी नोट की नहीं होगी, तुमने कैटेगरी नोट की है क्या भैया? लिखती जा रही हाँ हूँ, हाँ तो थर्ड वाली अभी नोट मत करना, ठीक है, थर्ड वाली फिलहाल तो लियो यू नोट मत करना, फोर्थ वाली मत करना, क्योंकि फोर्थ वाली में वुड भी वुड है, वुड है भी अलग से सिखाऊंगा। ठीक है, डिजायर्स की बात करते हैं, डिजायर्स की। हाँ डिजायर के सेंटेंस में होता हूँ, डिजायर के सेंटेंसेस अगर मैं ड्राफ्ट करना चाहूँ देन क्या कह सकता हूँ। हाँ काफ़ी पढ़े भी होंगे तुमने, ये सेंटेंस अच्छा रहेगा, डिजायर डिजायर इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में कैसे क्या बोलते हैं इसको, सॉरी हिंदी में, हिंदी में इसको पूछना बोलते हैं कास। क्या चीज़? नहीं अभी तुमने कुछ बोला। इच्छा हाँ डिजाइन में तो अच्छा होती है, पर हम हिंदी में कैसे कहते हैं, काश ये होता तो मैं ये करती, काश मुझे मौका मिला होता तो मैं पेरिस जाती, है ना, काश मुझे मौका मिला होता मैं भी फिर से आर्टिकलशिप करती। तो वो काश वाले सेंटेंस जो होते हैं वो भी वुड से बनते हैं, इफ और वुड, इफ और वुड मिलकर काश बनाते हैं। तो एग्जाम्पल दूँ मैं, एफ को थोड़ा छोटा देखो, एफ आई हैड या फिर लिखूँ एफ आई हैड स्कोर्ड वेल, ठीक है वेल है ये, इफ आई स्कोर वेल तो, कॉमा का मतलब पता है ना, तो होता है इंग्लिश में, ये ध्यान रखना, इस कॉमे का मतलब तो होता है, तो आई वुड, अब मैंने गलती कर दी, आई वुड हैव, अब मेरे को हैव लगाना पड़ेगा, तुम हैव को छोड़ देना, वुड पे ध्यान देना, आई वुड हैव ज्वाइंड बिग फोर। तो यानी कि मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, अपनी डिजायर दिखाई कि अगर ऐसा होता, काश मेरे अच्छे मार्क्स आए होते, काश मेरे अच्छे मार्क्स आए होते तो मैंने बिग फोर ज्वाइन कर ली होती, कर ली होती, तो कर ली होती होती ना, कर ली होती, मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले ही बताया था, बुड हैव का बेसिकली मीनिंग होता कर ली होती, कर ली होती अगर हिंदी में देखा जाता हूँ।
बट अगर लैंग्वेज में देखा है तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि आपको डिजायर अगर सुख करें, डिजायर अगर आपको सुख करें तो डिजायर के किस में मुड़का यूज होता है, ये समझे चल ना। एक कोई ऐसा सेंटेंस बताओ कि जिसमें मतलब हम केवल वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब एक और वर्ड साथ में ही आएंगे हमेशा काश के लिए। हाँ नहीं, फिर आपको कास्ट के लिए लाइक वर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे एक तो सेंटेंस ही हो गया आपका, एक सेंटेंस दो आपको दो दूसरा ही ले वर्ड लो। सही रहेंगे। हाँ एक तो इस तो आएगा, इफ यानी एक होती है आपकी कंडीशन हो गई ना कि अगर अगर मेरे नंबर अच्छा ही होते हैं तो मैं बिल्कुल ज्वाइन करती, तो अगर वाला सेंटेंस ही मत बनाओ, तुम अगर वाला सेंटेंस ही मत बनाओ, तुम सिंपल से ही बनाओ, कोई ख्वाहिश बताओ अपनी, कोई ख्वाहिश है। कल ऑफिस की छुट्टी हो जाए। वाह दी उम्मीद थी, वो इसमें नहीं आएगा, वो आई विश से बनेगा, ठीक है। आई वुड तुम्हें अच्छे एक्सप्रेस करियो, आई वुड लाइक टू हैव, कब लाइक आएगा और कब इफ आएगा? बता रहा हूँ, आई वुड लाइक टू हैव लीव फ्रॉम ऑफिस टुमारो, आई वुड लाइक टू हैव लीव फ्रॉम ऑफिस टुमारो। अपने अपने देखो, अभी तो हिंदी में तो सोचोगे तो हिंदी में तो ये रूल्स होते ही नहीं है, अगर आप इंग्लिश में सोचोगे ना तब ये वर्ड्स निकल के आएंगे। मैं चाहती हूँ, मैं कल ऑफिस छुट्टी लेना चाहती हूँ, तो अगर अगर मैं हिंदी वाले रूल्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना 6th 7th क्लासेस मैं पढ़ना चाहती हूँ, ता है ती है ते है, तो बेसिकली ऐसे किस्म क्या बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पर ये वर्ड कभी आपने प्रेजेंट टेंस में नहीं पढ़ा होगा वुड, तो इसको कभी हिंदी के सेंटेंस से अगर हिंदी के नेटिव से सोचोगे ना कि पहले मैं हिंदी में सोचूं फिर उसको ट्रांसलेट करूँ, तो ते सेंटेंस आप कभी ड्राफ्ट कर ही नहीं पाओगे लॉजिकली, क्योंकि हम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमने पढ़े ही रूल्स ऐसे हैं, ता है ती है ते है आया ना, और इसकी जो हिंदी निकलेगी वो ये निकलेगी कि मैं कॉल ऑफिस से छुट्टी लेना चाहती हूँ। चाहना कहाँ से आ गया, चाहना यहाँ से आ गया, वुड लाइक से जाना लाइक लाइक से, लाइक मतलब चाहना, तो मैं कॉल ऑफिस से छुट्टी लेना चाहती हूँ, तो बेसिकली तुम्हें अब ये सोचना पड़ेगा दिमाग में, ये इंग्लिश में सोचना पड़ेगा कि तुम हमारा जो सेंटेंस है ना वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्या तुम्हारी कोई डिजायर है। हाँ डिजायर है कि मैं कल ऑफिस से छुट्टी लूंगी, तुम्हारी एक डिजायर है तुम कल ऑफिस से छुट्टी लोगी, अब उसको अगर हम ऐसे देखें तो अब फ्यूचर में निकल रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं कल उससे छोटी लूंगी गागी के, तो हिंदी में हम कैसे सेंटेंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में सिंपल थॉट लगाओ, अगर आपको डिजायर है, आपको कुछ काम करना है, आपकी एक बस इच्छा है, आपकी क्या बता दिया, अपनी इच्छा एक्सप्रेस कर रहे हो, तब उस केस में वर्ड यूज कर सकते हो। सर लाइक कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने ना मैं लेना चाहूंगी तो चाहने के लिए तो वर्ड लगाना पड़ेगा लाइक, ये लाइक कहाँ से, तो चाहने के लिए, ये तो वर्ब है, ये तो क्या है वर्ब है, मैं छुट्टी लेना चाहूंगी, मैं कल ऑफिस छुट्टी लेना चाहूंगी, तो चाहने के लिए लाइक है, तो लाइक का कोई ग्रामर में रूल नहीं है। हाँ लेना चाहूंगी ये आपकी इच्छा है, मैंने आई विल लाइक टू, विल लाइक टू कोई सेंटेंस नहीं होता, आप अपनी इच्छा एक्सप्रेस करो, डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ऐसे किसने आपको वुड लगाना पड़ेगा, ऐसे किसने आपको क्या लगाना पड़ेगा वुड। कोई सेंटेंस तुम बताओ ऐसा बना के, क्योंकि मैं इसका होमवर्क ये दूंगा सिर्फ 5 5 सेंटेंस में हर तरीके तुम्हें कल बना के लाने पड़ेंगे। एक हाँ जी कि कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें वुड लाइक लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, केवल डिजायर एक्सप्रेस हो रही हो, डिजायर डिजायर वुड एक्सप्रेस। लाइक एफ एस कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन काश काश वाला भी ना, डिजायर का मतलब काश काश बता भी दो। है ना। हाँ ठीक है तो अब देखो इस ध्यान सुना, अब ये जो डिजायर ना, अगर तुम्हें अगर तुम्हें जो सीखना है अगर तुम तो हिंदी में सोचोगे ना तो नहीं हो पाएगा ये काम, तुम्हें इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, इंग्लिश में डिजायर सोचो, इंग्लिश में इच्छा है, इच्छा है, काश छोड़ो काश वगैरह के भाड़ में, इंग्लिश में इच्छा है सोचो कि हाँ कुछ करना है कुछ का। एक हाँ सोचते मतलब मैं ऐसे सोचना चाहती हूँ कि अगर सर मान जाते तो मैं भी अभी सीवी भेज पाती, तो एक काश की एक डिजाइन भेज चुकी होती डिजाइन है ना, भेज चुकी मैं भी होती। अभी सीवी भेज चुकी होती। ठीक है, ये सेंटेंस हाँ इस वाले फ्रेम के अंदर मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर हाँ सर रुको मान रुको जाते, मान जाते इफ सर वाज रेडी, है ना। रुको रुको रुको, ठीक है अब इसको इसको अच्छे से करेंगे, सब पोस्टमार्टम करेंगे इसका। रुक जाओ, मैं इसको लिख के करूंगा। हाँ हाँ इसी को इसका पोस्टमार्टम करेंगे, अगर
मैं पहले देखो फिर मैं तुझे सुनाऊंगा। ये मैं YouTube पर अपलोड करूंगा, ध्यान रखना, सर को भेजूंगा अगर हाँ नहीं तो अगर सर मान जाते YouTube हैं। पे अपलोड नहीं करोगे तो अरे मुझे भाई बुढ़के दुखा रहे यूज, हो। अरे तो मैंने कैमरा ऑफ सभी तो करवाया, बुढ़के यूज भाई बच्चों को भी सिखाऊंगा कि नहीं सिखाऊंगा, तो मुझे अब उनके सिखा अलग से दो, वीडियो मेरी बनाऊंगा। आवाज भी तो ऑड हो रही है। हाँ तो उनके डाउट्स क्लियर होंगे, इससे तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं उससे उनके मैं डाउट्स तो क्लियर मुझे होंगे। YouTube पे नहीं डालोगे, ये वाली YouTube पे मत डालना, इसके बाद डालना। वो जैसा सुन रहे होंगे ध्यान रखना। तभी तो मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं अगर सर फालतू पंचायत पे लड़ाऊंगी तो फिर तो ये थोड़ी ना है। उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, अगर सर मान जाते। हाँ मैं रुक जाऊँ, अगर सर मान जाते, इफ सर वॉज रेडी देन रुक तो जाओ यार, मान जाते तो आई वुड हमें सी भेज चुकी होती है ना, सेंट माय सीवी। तो हमें मैंने बनाया इफ सर रुक वॉज जाओ रुक रेडी जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो हमें सी भी चुकी होती। भेज चुकी होती। अब देखो यहाँ पे होता होती आ गया, पेरेंट्स एंड आप प्रेजेंट टेंस आ गए, हिंदी में तो कंफ्यूज हो गया। भेज चुकी होती, कौन सी धोती होती, भेज चुकी होती है ना। मैं फालतू करता बातें करता रहता हूँ अपनी वीडियो में, मेरे बच्चे जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या क्या है। मैंने बनाया इफ सर वॉज रेडी देन आई वुड हैव सेंट माय सीवी। आई वुड हैव सेंड, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। बस स्पीकिंग अच्छा है लेकिन ट्रांसलेशन में ना मान जाने को रेडी नहीं बोलते हैं, इसको कुछ और भी मीनिंग होता है। मनाने को क्या बोलते हैं, मनाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कन्विंस। हाँ इफ सर वॉज इफ सर वॉज कन्विंस्ड कन्विंस्ड, इफ सर वॉज कन्विंस्ड कन्विंस्ड कॉमा आई वुड और हैव देन सेंट लगा माय दिया। सीवी। हाँ देन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, देन स्पीकिंग में काम करेगा, लेकिन अगर आप लिखते हो, लिखने में हम लिख लेते हैं ऑफिस वगैरह में, पर वो गलत होता है ग्रामेटिकली, इफ के साथ कभी देन नहीं आता, उस कॉमे का मीनिंग ही देन होता है, हम लिखते नहीं है इफ के साथ कभी देन, ना तो इफ के साथ कभी देन लिखते ना देन के साथ कभी देन लिखते, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। बहुत अलग कि हम यूज करते हैं, और यूज करने की बात अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने काफी इसमें सुनी है अमेरिकन की भी, उनकी भी ग्रामर खराब होती है, बस स्पीकिंग अच्छी होती है पर ग्रामर उनकी भी खराब होती है। तो ग्रामेटिकली ये इफ के साथ देन लगाना, वैन के साथ देन लगाना रॉन्ग है। हाँ स्पीकिंग में चल जाता है, स्पीकिंग में चल जाता है, ठीक है ये वाला क्लियर है। एक सेंटेंस तुम लिख लिया, तो इसके आगे चलूँ मैं, इसके आगे सेंटेंस बना लूंगी बाद में। बट एक चीज है, तुमने मुझे क्लियर नहीं किया कि वुड हैव कब लगाया जा रहा होता है और सिंपल वुड हम कब लिखते हैं। अच्छा अगर यानी हैव का रीजन जानना है तो अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद में पूरा स्टैंड मीनिंग बताऊंगा वुड हैव का। अगर मैंने पहला सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस में, अगर मेरा पहला वाला केस जो है वो परफेक्ट टेंस में है, तो मेरे को बाद में भी ना परफेक्ट फॉर्म में ही परफेक्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो हेड भी परफेक्ट फॉर्म है भी परफेक्ट फॉर्म है, उसका रीजन अभी छोड़ दो, अभी तुम वुड पे ध्यान रखो, इसका मीनिंग मैं जब ऊपर क्लियर करूंगा ना, वुड के साथ मेरे को हैव भी सिखाना है, तो तब मैं डिटेल में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। बस इसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज किया है, तो मेरे को यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म यूज करनी थी, तो मैंने बट परफेक्ट के लिए अभी वुड जो के साथ मैंने लगा दिया सेंटेंस है। बनाया था इफ सर वॉज कन्विंस्ड देन आई वुड हैव सेंट माय सीवी, तो यहाँ पे तो मैंने कोई टेंस यूज नहीं किया, मैंने तो सिंपल वॉज वर्ब मतलब हाँ पास्ट टेंस यूज किया, किया। आपने किया आपने किया आपने किया आपने किया, बस दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया सेंटेंस तुम्हारा, ये रहा। इफ सर वॉज कन्विंस्ड, ये दिक्कत होती है कि हमारे यूट्यूब वर्ड में ना सिखाया गया इस तरह से आता है, कन्विंस्ड 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 कन्विंस्ड। आई मैं ऐसे लिखता हूँ, आई वुड हैव सेंट माय सेवी है ना। अब बेसिकली देखो पास्ट परफेक्ट, तो क्योंकि हम यूपी वर्ड से, तो मैंने तुम्हें पास्ट परफेक्ट फॉर्म रेफर की। बेसिकली इसको हम पता है क्या बोलते हैं, ये जो हेड है ना स्कोर्ड है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है ना वो किस टाइमिंग की बात कर रहा है, क्या वो ऐसे काम कर रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, तो इस वाले हम काम हम इस वाले सेंटेंस में देख के रहे हैं, अगर फील कर पाओ सेंटेंस को, तो फील कर पाओ तो
कि अगर मैं अच्छा स्कोर कर चुकी होती, यानी अगर मेरा काम हो चुका होता ऑलरेडी, अगर मेरा ऑलरेडी काम हो चुका होता तो मैंने ज्वाइन कर ली होती, ठीक होता। यहाँ पे काम हो चुका होता तो यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे जो बात जो हो रही है वो क्या हो रही है कि काम हो चुका होता इसको हम पता है इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये जो हेड है ना हेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैव की ना थर्ड फॉर्म है, हेड जो है हेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सर किस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये? हैव की थर्ड फॉर्म है। किसकी थर्ड फॉर्म है ये? हेड की, सॉरी हैव की, हैव की थर्ड फॉर्म है ये हेड। तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आई है, और यहाँ पर जो आपने लिखा है ना इफ सर वॉज कन्विंस्ड, तो ये पता है क्या बन गया, ये कि वॉज कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, ये थर्ड फॉर्म है कन्विंस्ड, ये क्या है थर्ड फॉर्म है। अभी थर्ड फॉर्म क्यों है ये मैं रीजन नहीं बता रहा, ये सेंटेंस में थोड़ा ड्राफ्ट किया है ना तो मैं इतना पता है कि ऐसा सेंटेंस बनता है। तो जब ये थर्ड फॉर्म आई है ना तो आगे वाले सेंटेंस में भी थर्ड फॉर्म ही आएगी, मतलब आगे वाले सेंटेंस में परफेक्ट फॉर्म ही आएगी। अब थोड़ा तुम्हें क्लियर नहीं होगा हैव और हैव का। बॉस के तो वैसे भी ईडी आते हैं। नहीं नहीं ना ना, चलो ऐसे करो, इसको मैं एक लिख लेता हूँ पेपर पे, हैव का यूज है ना, हैव का यूज और हैड का यूज, ठीक है। और तुम्हें वॉज वर्ब बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, ये मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। अभी तुम हैव को छोड़ो, तुम्हें अभी वर्ड का मीनिंग क्लियर है ना? बेसिकली मैं बता दूं, अगर तुम्हें दिक्कत हो तो, ये एक्टिव पैसिव है, ये पैसिव वॉइस है जो तुमने बनाया ना, पैसिव वॉइस थी ये, बाद में देखेंगे हम कन्फ्यूजन हो। अभी जो हमारा टॉपिक है हम उस पर रहते हैं, वो बेसिकली पैसिव वॉइस थी, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। एक होता है कभी कभी रिक्वेस्ट करने के लिए बोल लेते हैं, कभी हम किसके लिए कर लेते हैं, रिक्वेस्ट के लिए यूज कर लेते हैं। रिक्वेस्ट के लिए अगर मैं बताऊं कि सेंटेंस, नहीं ये रिक्वेस्ट थोड़ी है, वुड यू लाइक टू हैव, हाँ ये रिक्वेस्ट ही है, वुड यू लाइक, वुड यू, हाँ ये बिल्कुल सही था, गिव मी सम, वुड यू गिव मी पेन, ऐसा कुछ, वुड यू साइन ऑन दिस पेपर, ऐसा कुछ। हाँ मैडम, पोलाइट के लिए फ्रीज वर्ड तो रहेगी, पोलाइट के लिए फ्रीज वर्ड तो आ गई है ना, आप इसमें लिख सकते हो ऐसा कोई भी एक सेंटेंस बोलो। Would you please sign on this paper? ऐसे। हाँ बिल्कुल सही है ये, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के तुमने बना लिया, क्या तुम इन डॉक्यूमेंट पर साइन करोगे, क्या तुम इन डॉक्यूमेंट पर साइन करोगे, तो सेंटेंस लगता है सर कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और तभी फ्यूचर की बात ही रही है, और क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारा वोट पहले आ गया, लेकिन हम सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट के लिए हम ये नहीं बोलेंगे विल यू प्लीज, विल यू प्लीज साइन दी डॉक्यूमेंट, तो विल यू प्लीज गलत हो जाएगा, विल यू प्लीज गलत हो जाएगा, वुड यू प्लीज सही रहेगा। सेंटेंस पूछा रही है क्या तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करोगे, क्या तुम साइन करोगे, सिंपल सा, अगर मैं सिंपल बोलूं क्या तुम साइन करोगे, क्या तुम डॉक्यूमेंट्स पर साइन करोगे, तो विल यू प्लीज भी हो सकता है ना, तो विल यू प्लीज गलत होगा, वुड यू प्लीज बोला जाता है, क्या बोलता है, वुड यू प्लीज बोला जाता है, विल और प्लीज कभी साथ में नहीं आते, वुड और प्लीज साथ में आते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव सम बिस्किट्स, ठीक है, या फिर मैं किसी गेस्ट के यहाँ पे गया, उन्होंने मेरे से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, क्या तुम मेरी हेल्प कर, तो विल यू हेल्प मी, बात तो वही ना, वुड यू हेल्प, विल यू हेल्प मी, नहीं विल यू हेल्प मी बोला तो एक जन लोग, क्या तुम मेरी हेल्प करेगा, विल यू हेल्प मी मतलब क्या, क्या तुम मेरी हेल्प करेगा, सिंपल सा, लेकिन बोलो वुड यू प्लीज हेल्प मी, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, तो नहीं, अगर एक तुम अगर अलग चीज हो गई, अब विल यू हेल्प मी, ये तो दोस्त बोल रहे हो हेल्प करेगा तो बता, नहीं करेगा तो भाड़ में जा, विल यू हेल्प, अब हेल्प मी मतलब वुड यू प्लीज हेल्प मी मतलब एक पोलाइटनेस अलग वर्ड में फील हो रही है, अलग ही इंग्लिश में, ये इंग्लिश के एटिकेट्स हैं बेसिकली, ये जो बात करने का तरीका है इंग्लिश में एटिकेट्स शो करते हैं बेसिकली। आप अगर अपने दोस्त का बोलते हो आप वुड यू प्लीज हेल्प, वुड यू प्लीज नहीं बोलोगे, दोस्तों में प्लीज कौन बोलता है, हाँ विल यू हेल्प मी सिंपल सा बोल सकते हो, लेकिन आप किसी रिक्वेस्ट शो करना चाहते हो कि हम अपनी इंग्लिश में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वुड यू प्लीज आएगा, वुड यू प्लीज आएगा, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो, वुड यू प्लीज गाइड मी, ऐसा कुछ, वुड यू प्लीज गाइड मी, या वुड यू प्लीज लीड मी, वुड यू प्लीज लीड मी, लीड भी हो सकता है रास्ते के लिए, मतलब थोड़ा फॉर्मल साउंड होने के लिए हम वुड के साथ प्लीज लगाते हैं, बट इनफॉर्मल होने के लिए वुड विल चल जाता है, विल चल जाता है। हाँ एक बात बताओ, हाँ गूगल मीट में आवाज रिकॉर्ड हो सकती है, आवाज रिकॉर्ड हो सकती है मतलब पूछ कौन सी, मतलब मेरी आवाज है तुम्हारी आवाज, कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली बात है रिकॉर्ड होगी, होती है वो तो मैं कर रहा हूँ, मतलब गूगल मीट से नहीं होती है वो, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है,
उससे होती है। अब स्किन पाउडर रखते मेरे को ये नहीं पता कि सामने वाले पर्सन की होती है नहीं होती, मेरी होती है कन्फर्म है, तभी मैं पढ़ा पाता हूँ। अब सामने वालों की रिकॉर्ड होती नहीं होती, मैंने कभी लेक्चर नहीं देखा ये। क्यों तुम जैसे दिवांशु को पढ़ाते हो लाइव क्लास में, तो क्या वो क्लासेस रिकॉर्ड नहीं करते? हाँ वो रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन फिर रिकॉर्ड कर मैं दोबारा से थोड़ी देखता हूँ कि सामने वाले की वॉइस आ रही नहीं आ रही सुनने के लिए, तो वो मैं नहीं सुनता ना, तो मेरे को कन्फर्म नहीं। ठीक है, तो पॉलिट रिक्वेस्ट के लिए हो गया। कभी कभी लोग ओपिनियन भी शेयर करते हैं, ओपिनियन। ट्राई दिस, अच्छा बिल्कुल मतलब वुड यू ट्राई दिस टू, विल यू ट्राई दिस, विल यू ट्राई दिस, मतलब ऐसे तुम्हें ये ब्लू नहीं ट्राई दिस, मतलब बोल ये तो सिंपल नहीं, ब्लू ट्राई दिस क्या हो गया, क्या तू ट्राई करेगा, हम बोल रहे थे क्या तू ट्राई करेगा, पूछ रहे हैं सिंपल से, ब्लू ट्राई दिस क्या तू ट्राई करेगा, हम सिंपल सा पूछ रहे हैं। अब देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा बात तो एक ही है, लेकिन जब तुम रीडिंग करोगे रीडिंग, तो रीडिंग से तुम्हारी ना जो फीलिंग्स है वो चेंज रहेगी, तुम्हारा टोन चेंज रहेगी। अगर तुम बोलते हो कि विल यू ट्राई दिस, तो मैं बोलूंगा क्या तुम ये चेंज करेगा, अगर तुम बोलोगे वुड यू ट्राई दिस, तो बोलो क्या तुम्हें ट्राई करोगे, तो मेरा बोलने का टोन चेंज जाएगा वर्ड के क्या साथ। मतलब क्या तुम मेरे बिहार में वहां चले जाओगे? वुड यू गो देयर ऑन वुड बिहाफ, यू प्लीज गो देयर ऑन बिहाफ ऑफ मी। प्लीज ऑन बिहाफ ऑफ, वुड यू प्लीज गो देयर ऑन बिहाफ ऑफ, तो पोलाइट हो अब जाओ अभी साथ साथ आप में। इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्लीज तो बोलना पड़ेगा ना थोड़ा सा। ओपिनियन कैसे आया? नहीं इसमें ओपिनियन नहीं, ये तो रिक्वेस्ट वाला है, ये तो ओपिनियन वाला है नहीं। ओपिनियन मतलब क्या, सलाह देना, अपना अपना थॉट एक्सप्रेस करना ना। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ एक लड़का है बेचारा, बहुत बेचारा सीधा साधा, ठीक है, अपने फ्रेंड का वो वेट कर रहा ऑफिस के नीचे कि आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, 15-20 मिनट बहुत वेट कर बेचारे ने, ठीक है। अब कुछ लोग तो बोलेंगे कि बहुत पागल इंसान है, कुछ लोग तो बोलेंगे पागल इंसान जो वेट किया, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं काफ़ी स्वीट लड़का है कि अपने फ्रेंड का वेट किया इसने, काफ़ी स्वीट लड़का है कि वेट किया, अपना टाइम दिया उसने अपना, ठीक है। तो ऐसे केस में जो जो लोग बात करते फोर्स तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, फोर्स तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, रियलिटी कुछ भी हो सकती है, रियलिटी तो किसी को पता ही नहीं, लोग बस अपने थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उस पर्सन के रिगार्डिंग उनका क्या परसेप्शन, उनके क्या थॉट है। एक के रिगार्डिंग वो लड़का यूजलेस है, बेफालतू में वेट कर रहा है अपने दोस्तों, और एक कुछ इंसानों के कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी तो नहीं, बड़ा काफ़ी स्वीट बंदा है, वेट कर रहा है अपना टाइम दे रहा है, तो हो सकता है। तो ऐसे किस्म क्या होगा, आप लिख सकते हो सकते हैं मतलब सम पीपल वुड कॉल हिम स्वीट, सम पीपल वुड कॉल हिम, कुछ लोग उसे स्वीट कहेंगे, वुड कॉल दैट, वुड कॉल दैट वेरी स्वीट, यानी उस लड़के की जो है एक्टिविटी थी ना, जो हैबिट थी इसके लिए वेट करने वाले दोस्तों की केयर करने वाली, तो लोग उससे क्या बोलेंगे, काफी स्वीट बोलेंगे। एंड सम माइट से समझ से कि वो काफी सिली है, काफी फूल है ना, काफी बेला है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये वुड से क्या किया, ये इस वुड ने क्या किया, इन्हें कुछ लोगों के क्या किए थॉट्स बताए, ये लोग ऐसा सोचते हैं, ये लोग ऐसा सोचते हैं, ये लोग ऐसा सोचते हैं। रियलिटी क्या है, रियलिटी नो वन नोज, रियलिटी नो वन नोज, बस इन लोगों की थिंकिंग पता चली सेंटेंस से, सेंटेंस से थिंकिंग पता चल रही है कि हाँ इन लोगों को रियल में नहीं पता कि वो लड़का स्वीट है या नहीं है, इन लोगों को लगता है कि वो स्वीट है, इन लोगों को लगता है, इन लोगों का ओपिनियन है ऐसा कि वो स्वीट है, ठीक है। तो अगर आपको भी इंग्लिश में अगर भी अपने ओपिनियन शेयर करने हो, तो आप कैसे शेयर करोगे, बुड का यूज करके कैसे शेयर करोगे, बुड करके, हाँ ऑब्वियसली बात है, आप अपना ओपिनियन कब शेयर करोगे, आपको लगेगा कुछ ऐसा पूछे जिस पर तुम मुझसे मेरा ओपिनियन मांगो। क्या व्हाइट कलर मेरे पर सूट करेगा, व्हाइट ड्रेस, तो तुम कह सकते हो वेयरिंग व्हाइट वुड नॉट बी राइट फॉर द ओकेजन, वेयरिंग व्हाइट वुड नॉट बी द राइट, वुड नॉट बी राइट फॉर द ओकेजन, वेयरिंग व्हाइट वुड नॉट बी राइट फॉर द ओकेजन, व्हाइट पहनना हो सकता है तुम्हारे लिए सही ना हो ओकेजन के लिए। नहीं पर मैं जैसे तुमने पूछा कि क्या व्हाइट कलर मेरे को सूट करेगा, तो मुझे लगता है कि शायद तुम पे सूट कर सकता है, तो फिर वुड का तो नहीं यूज आया ना कहीं भी। आई नहीं, थॉट अब इसको ऐसे दो तरीके कहने के, आप सिंपल से ये भी कह सकते हो
अब इसको दो तरीके बनाने के, एक तो आई थिंकर का यूज करके और एक सिंपल सा वुड का यूज करके। अगर आप इसको बनाते हुए हमारा चलो ओपिनियन वाले में चलो तो ओपिनियन में लिख रहा हूँ। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप इसको। अगर आई थिंक से लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? मेरे ख्याल से, आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से, या फिर इन माई ओपिनियन, या इन माई, या फिर आई ओपाइन, कुछ भी लिख सकते हो। आई थिंक, हाँ ओपाइन, ओपिनियन की वर्ब होती है ओपाइन, ठीक है। इन आई थिंक, आई ओपाइन, इन माई ओपिनियन, ठीक है, या फिर इन माई व्यूज, कुछ भी लिख सकते हो स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। इट मे सूट यू, इट मे सूट ऑन यू, इट मे सूट ऑन यू, ये तुम पर सूट कर सकता है। इट मे सूट ऑन ऑन यू, ठीक है। लेकिन तुमने यहाँ पे ना अपने ख्याल के लिए एक वर्ड आपने ऑलरेडी यूज कर लिया कि मेरे ख्याल से, लेकिन आप चाहते हो कि आपने ख्याल वाला वर्ड इंग्लिश में यूज ना करो, तो आप सिंपल से बोल सकते हो इट वुड सूट यू, इट वुड, इट वुड सूट ऑन यू, इट वुड, इट वुड सूट ऑन यू। अभी थोड़ा सेंटेंस तुम्हें वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि सेंटेंस सुने बहुत कम होंगे, मतलब मैं इसका मतलब ये हो गया ना, मतलब यह मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है तुम पर सूट करेगा। अब जो ख्याल है ना, ख्याल, अब जो जो आई थिंक वाला वर्ड है जो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसका जो मीनिंग है वो ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। अब तुम्हें आई थिंक अलग से कहने की जरूरत नहीं है, पर रियल, अगर तुम रियल लाइफ में सेंटेंस सुनोगे तो लोग यही बोलते हैं आई थिंक एंड माई व्यूज। वही थोड़ी सी वही बात है, वर्ड का नॉलेज नहीं है तो वही वाली चीज है, वरना सिंपल से क्या मीनिंग होगा, इट वुड सूट ऑन यू, इट वुड सूट ऑन यू, वुड के अंदर ही क्या है, थिंक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और कोई सेंटेंस बताओ एक दो वुड के लिए ओपिनियन वाले, ओपिनियन एक्सप्रेस करने हैं सिंपल से। ओके, ओपिनियन एक्सप्रेस करने, क्या मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना चाहिए? नहीं ऐसे नहीं, क्या मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना चाहिए, एट द ओपिनियन एक्चुअली मैं, क्या मुझे कल ऑफिस, मैं तुमसे पूछूंगा, अगर ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन आपसे किस तरह से पूछ रहा है। अच्छा, मैं तुमसे पूछूंगा क्या मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना चाहिए, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा राय तो मांग रहा हूं, मेरी ओपिनियन तो मांग रहा हूं मैं, टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ पूछ के। अच्छा तो तुम्हें ऑफिस, तो अगर मैं बोलती हूँ कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए तो इट वुड बी बेटर टू गो अर्ली, इट वुड बी बेटर टू गो अर्लियर, इट वुड बी बेटर टू गो अर्लियर, सिंपल सा। यहाँ पे तुमने वुड का सेकंड फॉर्म लगाई है, इसे वुड कहाँ लगाई, सेकंड फॉर्म मैंने बी लगाया, इट वुड बी बेटर टू गो अर्ली, इट वुड बी बेटर, बी लगाया मैंने, गो नहीं लगाया, तो बी वगैरह तो दूर क्या था, वो बी वगैरह के सेंटेंस बाद में सीखेंगे, मैं बात करें केवल वुड की, तो वुड तो समझ में आएगा ना, ऐसे केस में वुड आएगा, ठीक है, आ सकता है। हाँ ये तो हमारा काम है यार, अजम्पशंस पे खेलना, उम्मीदें करना, अजम्पशंस, एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर प्रिजम्पशंस होती हैं, प्रिजम्पशंस में और अजम्पशंस में डिफरेंस पता है ना, प्रिअजम्पशंस और अजम्पशंस, प्रिअजम्पशन, अजम्पशन मतलब अनुमान लगाना, एक्सपेक्टेशन, अनुमान लगाना, प्रिअजम्पशन ये सब नहीं पता, मतलब ऐसे ऐसे assumptions जो प्री डिफाइंड है, जो ऑलरेडी क्या है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, हम अभी नहीं कर रहे assumption, मतलब क्या, every time हम एक सर्टेन टाइम पर हम वो एज्यूम कर रहे हैं, presumption मतलब क्या, हम उस सर्टेन टाइम पर नहीं कर रहे, पहले से assumed है, ये चला आ रहा है, ऐसे assume जनरली हम करते आते हैं, जनरली assume करते आते हैं, हम अभी नहीं कर रहे assume, ये जनरली करते आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे जाते तुमने मोबाइल, मेरे जाते तुमने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, आया ना टेबल से उठा के, आया ना, क्या तुमने एज्यूम किया था कि मैं कॉल करूंगा, प्रिज्यूम किया तुमने, ये प्रिज्यूम था कि मैं जाके नीचे जाके वेट करूंगा, क्योंकि तो अगर मैं लेके आया तो छोड़ने ही मैं जाऊंगा, प्रिज्यूम था, तो ऐसे केसेस वाले सेंटेंस को कैसे बोलोगे, तो ऐसे वाले केस में भी हम वुड का यूज करेंगे, जैसे कि है ना, अब जैसे कि उस टाइम पे ना, सपोज करो मैं निकला, तुम्हें पता था कि मैं कॉल करने वाला हूँ, मैं निकला तुम्हें पता था मैं कॉल करने वाला हूँ, लेकिन फोन रखा है तुम्हारे डेस्क पर, तुम बैठी हो भैया के पास, ठीक है, और तुम्हारा फोन करता है रिंग, तुम्हारा फोन करता है रिंग, फोन रखा है तुम्हारी डेस्क के पास, मुझे पता है मैं करूंगा तुम्हें कॉल, हाय हाय क्या बात है, ठीक है,
तो अब तुम्हारा फोन करता है रिंग, तुम्हारा फोन करता है रिंग, तुम्हें नहीं पता कौन कर रहा है, तुम्हें नहीं पता, तुमने नाम तो देख रहे, तुम दूर बैठी हुई हो, तो तुम्हारी प्रीअम्पशन है, तुम्हारे अजम्पशन है, तुम उसको तुम एक्सपेक्ट भी करो, आप तुम कह सकती हो डेट, डेट मतलब उस कॉल की बात कर रहे हैं, कॉल मी ऐसा डेट, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, वुड बी शुभम कॉलिंग, वो शुभम होगा कॉल, जो जो कॉल कर रहा है वो शुभम होगा, जो कॉल कर रहा है वो कौन होगा, शुभम होगा, तुम्हारे अजम्पशंस है, तुम्हें पता नहीं है कि कौन होगा, तुमने तुम्हारी प्रिजम्पशंस है कि हाँ शुभम अभी भी गया है तो हो सकता है मेरे से पूछा हो कि ड्रॉप करने के लिए, तो कॉल आया तुमने, डेट वुड बी शुभम कॉलिंग, डेट वुड बी शुभम कॉलिंग, ठीक है, हो सकता है कोई अगर तुमसे ये पूछे कि तेरा फोन बज रहा है, भैया ही पूछा तेरा फोन बज रहा है, अब तुम्हें आंसर देना, तो तुम ऐसे कह सकती हो डेट वुड बी शुभम कॉलिंग, आई विल आंसर इट सून, मैं उसे आंसर कर लूँगी अभी, यानी मैं अभी पिकअप कर लूँगी, आई विल आंसर इट, आई विल आंसर इट, आई विल आंसर इट, अब देखो यहाँ पे मैंने विल लगाया, यहाँ पे वुड नहीं लगाया, एक जगह पर मैं वुड लगा रहा हूँ, एक जगह पे मैं विल लगा रहा हूँ, विल हम पता है कब लगाते हैं, हम सर्टेन होते हैं, अभी तुम सर्टेन होगी ना कि तुम्हें मेरे को आंसर देना होगा तो तुम विल लगाओगी, लगाओगी तुम यहाँ पर सर्टेन हो, यहाँ पे क्या हो तुम सर्टेन की, हाँ उसका कॉल आया तो मैं आंसर दूंगी भाई, दूंगी, यहाँ पे तुम सर्टेन हो, सर्टेन हो, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में तुम सर्टेन नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि सुम कॉल कर रहा होगा, वो और कोई भी सकता है, वो कोई और भी सकता है ना, तो बुढ़ के तो विल जो आएगा, विल कहीं पे भी नहीं आया, तो कहीं पर क्यों नहीं आया, क्योंकि कहीं पे भी हम सर्टेन नहीं थे, अगर मैं एक समरी बता दू ना कि विल कब नहीं आएगा, बुढ़ कब आएगा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर मैं ये बोल दूँ कि विल कब नहीं आएगा तो विल तब नहीं आएगा, सीजन सर्टेन नहीं है, अगर सीजन सर्टेन है तो विल ही आएगा, अगर मैं बता दूँ पास्ट टेंस से हमने बोला कि मैंने तुमसे बोला कि रेन होगी, क्या रेन होगी, क्या मैं सर्टेन था क्या उसके उसमें, नहीं, अगर मैं सर्टेन होता तो मैं यहाँ पे विल लगाता, पर सर्टेन था ही नहीं मैं, मैंने पास्ट बिहेवियर बताए, पास्ट बिहेवियर केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन, मेरा ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे विल से नहीं सेटिस्फाई हो पाएगा, फिर उसका मैंने डिजायर दिखाई, डिजायर कि काश अगर मैंने ज्वाइन किया होता तो मैंने पक्का पक्का बिगफुट ज्वाइन करी होती, अरे पक्का पक्का कैसे फ्यूचर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पक्का पक्का तो फ्यूचर को एस्टिमेट कर ही नहीं सकते ना, इस तरह से हो सकता है तुम्हारे स्कूल आए होते तुम नहीं कर पाते, बाद में कुछ हो जाता, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या तुम मिले करोगे, तो यहाँ पे आप सर्टेन हो कि सामने वाला आपके लिए काम करेगा ही करेगा, नहीं ना, ओपिनियन आप देख रहे हो क्या ये तुम्हें सूट करेगा, क्या कन्फर्म हो ये सूट करेगा ही करेगा, ये तुम्हारा ओपिनियन है, एंड चीज सर्टेन नहीं है ना, अगर चीज सर्टेन नहीं है तो आप बिल का यूज नहीं करेंगे, तो हम बिल का यूज करेंगे नहीं, बिल का यूज को एक ही केस में करते हैं, चीजें सर्टेन होती है, चीजें क्या होती है सर्टेन, और जितने भी केस है ना यहाँ पे कहीं पे भी चीज सर्टेन नहीं है, एक दो को छोड़ के, एक बात है अगर चीजें अनसर्टेन है तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही वुड लगाए, ना वुड आ सकता है, मे आ जाएगा, माइट आ जाएगा, कुड आ जाएगा, केन आ जाएगा, अगर चीजें सर्टेन है तो ये पक्का है कि विल ही आएगा, कि विल आएगा, विल और सेल, विल और सेल, तो विल और सेल नहीं आएंगे, तो विल और सेल नहीं आएंगे तो फिर कुछ और आएगा, हो सकता है वुड आए और हो सकता है कि वुड ना आए, मे आए, मे आए, माइट आए, कुड आए, कुड आए, पॉसिबली वर्ड भी आते हैं, पॉसिबली वर्ड भी होता है, पॉसिबली, पॉसिबली, पॉसिबली कह लो आप, ठीक है, पर इतना सर्टेन है कि अगर चीज सर्टेन है तो विल आएगा, ठीक है, इस है ना, और एक्सपेक्टेशंस की बात करूँ तो एक्सपेक्टेशन की बात करूँ, यार आज मेरे पेट में ना बहुत भूख लगी थी, मेरे को बहुत भूख लगी थी, आते हैं बहुत भूख, पेट से पेट नहीं भरा, आज मुझे बहुत भूख लगी थी, आई रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ यार, रुक जाओ इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, टेक लीजिए, टेक लीजिए, ठीक है, और रास्ते में मुझे मिला एक रेस्टोरेंट, रास्ते में मुझे दिखाई दिया एक रेस्टोरेंट, ठीक है, खाना में लिख नहीं पाया, लिख लेना अभी, अभी दिखा दूंगा, ठीक है, रास्ते में मेरे को मिला एक रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट के बाहर मैंने देखे, मतलब बहुत शाइनिंग, बहुत बढ़िया, मेरे को लगा बहुत महंगा होगा, मेरे को लगा, मैंने एक्सपेक्टेशंस की कि ये बहुत महंगा होगा,
तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा एक ख्याल है, ख्याल ही बोल सकते हो, एक्सपेक्टेशन से बोल सकते हो, सारी चीजें ख्यालों में चल रही है। इट वुड would be quite बी, expensive. हाँ इट वुड बी क्वाइट सपोज करो हम दोनों जा रहे हैं, ठीक है, मुझे भूख लग रही है, तो तुमने बोला तुम चलो क्यों ना यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में रुक के खाना खाते हैं, है ना, कुछ खाते हैं, कुछ खाते पीते, स्नैक्स वगैरह लेते हैं। तो मैंने बोला इट वुड बी, तो मैं आंसर देता हूँ, मैं अपना एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ इस होटल से, इस रेस्टोरेंट से, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी उम्मीद क्या है, मेरा ख्याल क्या है। इट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव टू स्टे, लिख लेता हूँ मैं, टू स्टे इन दैट रेस्टोरेंट, इन दैट रेस्टोरेंट, दैट क्यों आएगा, इन दिस रेस्टोरेंट आएगा ना, दूर है ना, जब जैसे दूर होते हैं तो डेट लगाते हैं, जैसे पास होते हैं तो दस लगाते हैं, अगर बिल्कुल मेरे सामने ही है तो मैं जैसे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा मेरा कहने का मतलब कि अभी होटल, अभी वो रेस्टोरेंट दूर है, हम बिल्कुल बगल में नहीं है, जैसे दूर हो गए तो डेट लगाते हैं, दस लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव टू स्टे इन दैट रेस्टोरेंट, है ना। मैं बोली मतलब जैसे कि ये शेयर बहुत महंगा होगा, हाँ तो इट मतलब दिस शेयर वुड बी, होगा, हमारा शेयर महंगा होगा या शेयर बहुत ऊपर जाएगा, ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, हाँ ये एक्सपेक्टेशंस है सेंटर ना, बनाओ, तो ऐसा बनाना, हाँ दिस शेयर वुड बी, दिस शेयर से नहीं, दिस शेयर एक ही बात कर रहे हो हाँ ना, दिस दिस शेयर शेयर ही बोला, वुड दिस शेयर वुड बी, वुड गो अप या फिर वुड राइज, हाँ कुछ भी वुड लिख सकते वुड हो, राइज, दिस शेयर वुड है ना, राइज, वुड गो अप वैसे लिखा जाता है, वुड राइज भी लिख सकते हो, वुड क्या रहते तो हैं यहाँ पे, हाँ तो यहाँ वुड राइज या वुड गो अप कुछ भी लिख सकते हो, वुड वुड नहीं अच्छा आएगा, वुड ग्रो अप आएगा बस, ना, वुड भी अप लिखोगे फिर वुड भी अप, वुड भी अप सून, मैं तुमसे तो देखना बीए पड़ेगा बी के साथ, बी के रूल बाद में बताऊंगा, है ना। और थोड़ा एडजेक्टिव बनाना है तो एडजेक्टिव वर्ड यूज करने पड़ेंगे, दिस शेयर वुड रीच न्यू हाइट्स, दिस ठीक है, शेयर वुड अचीव न्यू हाइट्स, है ना, कुछ ऐसे लिख सकते हो, या वी विल गेट अ जंप, वो हमारी क्रिएटिविटी के हम क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं, तो बुढ़ का ये केस समझ में आ गया है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच तो पता होंगी, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, गया भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए, याद नहीं आ रही है, वही से निकली, कोई ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई मेरे को अच्छा सा नाम बताओ जिसको पर मैं एग्जांपल बनाऊँ, माय माँ, गंदा नाम है, बाय ठीक है, माई सेज टू मी, माई मुझसे कहती है, कहती नहीं, माई सेड टू मी, माई ने मुझसे कहा, उसका रीजन मैंने यहाँ पर सेड क्यों किया, पर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पर जाने वाला भी है ना, माई सेड टू मी, क्या कहा उसने मुझसे, कहा आजा आजा आजा, माही ने मुझसे कहा, क्या कहा, मैं सुबह, उसे इंग्लिश पढ़ाऊं, इंग्लिश पढ़ाऊं, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठूंगी, अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, कहती हो रोज तुम, तो इस वाले को अगर मैं, ये तो डायरेक्ट स्पीच है, ये तो क्या है, ये तो डायरेक्ट सेंटेंस है, ये क्या डायरेक्ट सेंटेंस, तो
ठीक है, अगर मेरे को उसको इनडायरेक्ट में सीख देना, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आई वुड ऐसा ना ना, माई सेल्फ टू माई टोल्ड मी आई वुड पिक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. गलत है, गलत है, गलत है, क्यों बेइज्जती करा रही पब्लिक में? माई टोल्ड में नहीं, दिवाली वीडियो अपलोड मत करना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. माई टोल्ड मी, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल सा ना, डाइट एंड डाइट ऑफ पास्ट पेरेंट, कहीं पे ध्यान मत दो. अभी टॉपिक ना बुढ़ का, बुढ़ पे ध्यान दो, अगर इस बेइज्जती होगी क्या फायदा पब्लिक में? माई टोल्ड मी दैट That, that, see, she would, मैंने क्या लिखा हूँ, ओंगा पोंगा सा, she would wake up early in the morning, है ना, बाकी तो wake up early in the morning, तो यहाँ पे बिल का क्या हो गया, बुड हो गया, बिल का क्या हो गया, बुड हो गया, यानी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के केस में भी क्या हो जाता है, बिल का बुड हो जाता है. तो इस केस में चेंज होता है, जो रियल लाइफ में हमारे कम हम काउंटर कर देंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है. फास्ट रेफ्यूजल, हाँ ये अच्छा है, फास्ट रेफ्यूजल है ना. फास्ट रेफ्यूजल के अगर मैं एग्जांपल दूँ, पास में तुमने किसी काम की मना की हो, मुझसे कुछ मना किया है, फास्ट रेफ्यूजल का कोई एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ मैं? मैंने तुमसे प्रवीण से खत्ता और सिर्फ क्लास लेने से मना कर दिया, ऐसे बताओ. नहीं 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 नहीं, ये नहीं बात ऐसे लो ना, पास्ट में मैं किसी काम चीज की मना करता था, पास्ट में मैं किसी से मना करता था, इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूँ. पास्ट में किसी से, पास्ट में मुझसे मना की गई थी किसी चीज की, बेसिकली ये है ना, ये भय बिल्कुल उसकी तरह, पता नहीं क्यों मैंने ऐसी कैटेगरी बना दी, ये है इसकी तरह ही, इसकी तरह फर्स्ट जो टेन थर्ड और फर्स्ट है जी, एक ही चीज, हम पास्ट और फ्यूचर की बातें कर रहे हैं. अच्छा. ठीक है, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने उसे कभी ऐसा नहीं करने, जब वो छोटा था तब मैंने उसे ऐसा कभी नहीं करने दिया. When I was, नीचे लिखें थोड़ा सा, When I was student, जब मैं स्टूडेंट था, अगर बॉस को देख गया, When I was student, जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने कभी भी अपने आप को गलत आदतों में पढ़ने नहीं दिया, तब मैंने कभी भी अपने आप को गलत आदतों में पढ़ने नहीं दिया. तो मैं पास की बात करूँ ना, कि पास में मैंने चीज अपने आप को नहीं करने दिया, तो मैं कैसे लूंगा? When I was a student, जब मैं स्टूडेंट था, मैंने डेवलप फ्रॉम हैबिट, आई वुड नॉट लेट मी join join bad company. ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अपने आप को गलत संगति में पढ़ने नहीं दिया, मैंने गलत लोगों की कंपनी ज्वाइन नहीं की, तो ऐसे किसने आप किसका यूज करोगे? बुड़का. कैसा करोगे? बुड़का, सिंपल सा. मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो यहाँ पे क्या के लिए क्या नहीं आया, वुड अलाउ मी, हाँ वुड नॉट अलाउ, वुड नॉट अलाउ मी, वुड नॉट अलाउ मी, आई वांटेड टू परस्यू, आई वांटेड टू बी डॉक्टर, आई वांटेड टू बी डॉक्टर, बट माय पेरेंट्स डिड नॉट, बट माय पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ, है ना. ये तो सिंपल सा हुआ वुड का, ये तो सिंपल सा मीनिंग किसके है, वुड के. इनकी अगर समरी बताओ ना, समरी तो सिंपल सा क्या है, आपकी इच्छा, आपके ख्याल, आपकी अजम्पशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस,
यानी जिस चीज के बारे में सर्टेन नहीं हो बेसिकली, उस केस में आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो गुड को, उस केस में आप क्या यूज कर रहे हो गुड को, ठीक है। और कभी कभी आप कब कर रहे हो, रिक्वेस्ट वाले केस में कर रहे हो, पास्ट वाले केस में कर रहे हो, और कुछ नहीं है वुड का। ये तो सिंपल से वुड के यूज है, ये तो सिंपल से किसके यूज थे, वुड के यूजेस में नहीं थे मीनिंग थे बेसिकली, किस किस केस में करते हैं, कोई यूजेस नहीं था, कोई रूल नहीं था, बस एक सिंपल सी थी किस किस केस में वुड का यूज करते हैं, किस किस तरह के थॉट्स अगर हमें एक्सप्रेस करने था हम वुड का यूज करेंगे। अगर हमें अपनी पास्ट की हैबिट शो करनी है इंग्लिश में, तो हम वुड का यूज करके सेंटेंस ड्राफ्ट कर सकते हैं। हमें अपनी डिजायर शो करनी है, हमें अपनी क्या शो करनी है, डिजायर, तो हम वुड का यूज करके सेंटेंस ड्राफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली देखो इसको ऐसा मत समझना कि कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है, इसको ऐसा समझना कि अगर हमें इंग्लिश में अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं तो किस थॉट के लिए हम क्या यूज करेंगे, और डिजायर शो करनी है आपको तो आप वुड यूज करोगे, आपको अपने ओपिनियन शेयर करने हैं तो आप वुड यूज करोगे, ठीक है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस दिखानी है तो आप वुड का यूज करोगे, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो वुड का आज इतना वुड का रखें, बी और हैव बाद में रखें। हाँ बिल्कुल। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ 2 मिनट को। रुक जाओ। हाँ होमवर्क पहले सुनो, रिकॉर्डिंग से पहले जो भी वीडियो बाद में देखेगा उसका भी होमवर्क यही है कि ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं दिखा दो, सर क्लियर कर दो कितने सेंटेंसेस हैं। कहाँ गया मेरा कर्सर? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 है, 8 से कम 5 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 3 3 सेंटेंस, इन सभी के तीन तीन एग्जाम्पल होना चाहिए, सभी के तीन तीन, ठीक है। ठीक है।